यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कर्नाटक चुनाव के बाद लगातार 16 दिन तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़त के बाद बुधवार को इनकी कीमतों में पहली बार गिरावट आई है और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 60 पैसे और डीजल की कीमत में 56 पैसों की गिरावट आई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 60 पैसे घटकर 77.83 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 56 पैसे घटकर 68.75 रुपए प्रति लीटर हो गई है। कर्नाटक चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो बढ़त शुरू हुई थी उस पर अब जाकर ब्रेक लगा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बाद सरकार पर तेल के दाम कम करने का दबाव था और तेल कंपनियों ने कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 59 पैसे की कटौती करते हुए 80.47 रुपए, मुंबई में 59 पैसे घटाते हुए 85.65 रुपए और चेन्नई में 63 पैसे की कटौती करते हुए 80.80 रुपए प्रति लीटर कर दी है। कोलकाता में डीजल की कीमत में 56 पैसे की कटौती करते हुए 71.30 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में 59 पैसे घटाकर 73.20 रुपए प्रति लीटर और चेन्नई में 60 पैसे की कटौती करते हुए 72.58 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है।